नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भैंस के नीचे बैठकर अतनी का दूध निकालने के ख्वाब पाक की मदरसा पैदाइशी देख सकती है। ये वही लोग हैं जो तशरीफ 90 डिग्री उठाकर और मुंडी जमीन मरमार कर बता देते हैं कि पानी कहां से निकलेगा। पाकिस्तान के कंगाल डिपार्टमेंट के एक तहमतबाज ने यह साबित भी किया है। लाहौर निवासी रजा अली ने पाक में कोरोना संक्रमण के लिए अमेरिका को जिम्मेदार मानते हुए कोर्ट में 20 अरब डॉलर की भरपाई की याचिका दायर की है। यानी जब दुनिया के किसी भी मुल्क से तहमत के पैबंद का जुगाड़ नहीं हो रहा है तो मदरसा मुल्क के टोपीबाज ने अपनी मुल्लागिरी का तकंडा अपनाया है। खास बात यह है कि लॉकडाउन में टिड्डी उड़ा रही लाहौर की अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली है, जिसके बाद मुल्ला न्यायाधीश कामरान करामात ने अपनी करामात दिखाते हुए अमरीकी महावाणिज्य दूत, अमरीकी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रालय को नोटिस जारी कर दिया है। यानी बनीगाला में निठल्ले पड़े इमरान लोंडे को अमरीकी फटकार के लिए सूली पर चढ़ा दिया गया है, जिसके बाद दूसरों की घबराहट बढ़ाने वाले की इस बार खुद की घबराहट बढ़नी लाजमी है। लाहौर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को रखी है। दरअसल याचिकाकर्ता रजा अली ने कहा है कि उनके परिवार के तमाम सदस्य कोरोना से संक्रमित हैं। उनका स्वास्थ्य इतना खराब हो चुका है कि वे कभी भी हुरों की खोज में प्रस्थान कर सकते हैं। याचिका में कहा गया है कि अमेरिका में कोविड-19 के अनियंत्रित प्रसार के कारण पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया में यह महामारी फैली है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मौजूदा अमरीकी प्रशासन कोरोना वायरस के खिलाफ वैश्विक अभियान के लिए बाधा उत्पन्न कर रहा है। रजा अली ने 20 अरब डॉलर की वसूली का आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। यानी मुल्ला जी जा रहे थे बाजार को, तभी दाई का फोन आ गया। पता लगा बेगम को 8वां बच्चा हुआ है। मुल्ला जी ने केले खरीदे और लोगों में बांटने शुरू कर दिए। दाई का फिर फोन आया और बताया गया बच्चे जुड़वा है, 9वां बच्चा भी बाहर आ गया है। मुल्ला जी खुशी में इतना झूमे कि केले के छिलके पर फिसल कर अपनी तशरीफ को तुड़वा बैठे। बच्चा मुल्ला की बेगम ने पैदा किया, मगर हरजाना दाई को भरना पड़ा। रजा अली जैसे तैमन छाप, ऐसे ही तशरीफ तुड़ाओ मुल्लाओं की आधुनिक पौध है, जिसका बीजारोपण पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर होता है। इस वक्त क्वेटा से कराची तक कोरोना बुरी तरह पाकिस्तान में कहर बरपा रहा है। इमरान ने भीख मांगने के लिए जिस स्पेशल कटोरे का निर्माण करवाया था, वह आज भी मुंबई भीख के इंतजार में पड़ा है। एसएमएस उद्योग की कमान पाकिस्तान की आवाम ने अपने हाथों में ले ली है। मजे की बात यह है कि जिस बेगम ने बच्चा पैदा किया, उसकी तरफ उंगली उठाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए दाई को लपेटे में लेकर बेगम की 10वें बच्चे के लिए भी हिम्मत बढ़ाई जा रही है। पर लगता यूं है कि यह मामला यहीं पर खत्म नहीं होने वाला है। आने वाले दिनों में आतंक के लिए अफगानिस्तान, महंगाई के लिए भारत, तेल के दामों में बढ़ोतरी पर ईरान और गरीबी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब पर भी मुकदमे किए जा सकते हैं। मतलब यह कि निकम में सुल्तान की तब्दीली का ठीकरा किसी और के माथे पर फोड़ा जा सकता है। अदालतें घाटे में चल रही है, जबकि पाकिस्तान के विमान फर्जी पायलट के भरोसे उड़ रहे हैं। जनता मस्जिद की बांग पर गधैया नर्तक करने में व्यस्त है और नेता घोटालों में अभ्यस्त हैं। ऐसे में अमेरिका से 20 अरब डॉलर की उम्मीद ने हीरा मंडी के चौराहे पर चाय की कई नई दुकानें खुलवा डाली है। रजा अली पाकिस्तान की मीडिया की सुर्खियां बन गए हैं। इस्लामाबाद में 24 घंटे टहलने वाले भिखारी मांगने के स्टाइल में परिवर्तन लाते दिखाई देने लगे हैं। अब जिन लोगों को लगता है कि पाकिस्तान टोपीबाज मदरसा पैदाइश के उत्कर्ष नमूने मात्र हैं, आने वाले दिनों में उनकी विचारधारा में बदलाव होते दिखाई देंगे, क्योंकि पाकिस्तान को अगले 2 महीनों के भीतर 11 अरब डॉलर की दरकार है, जिसमें 3 अरब 10 करोड़ डॉलर चीन का सूद बाकी है, 8 अरब डॉलर घरेलू बिजली कंपनियों को चुकता करना है। इन्फंटर लोगों ने अमेरिका से 20 अरब डॉलर मिलने के ख्वाब देख लिए हैं। यह जैतून के तेल, रेगोडिक के सोने और अरब सागर के तेल से बड़ा मिशन है, जिसे अमेरिका से लेने की तैयारी की जा रही है। पर बड़ी परेशानी यह भी है कि कई अमेरिका अपनी छवि खराब करने की एवज में 40 अरब का उल्टा दावा ठोक बैठा, तब क्या होगा? संभवतः पाकिस्तान के मदरसा पैदाइश जज जो भारत को ICJ में नहीं हरा पाए, वे अमेरिका को हरा सकेंगे, यह नामुमकिन ही लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को ही लेने के देने पड़ जाए। पाकिस्तान की आवाम तो तशरीफ तुड़ाऊ है ही, जाते जाते इमरान को भी लांडा करके भेजेगी। हालांकि अमेरिका ने इस मामले में अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। शायद इस वजह से भी 20 अरब डॉलर का ख्वाब इनसे बकरी कुदान करा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।